सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। कौन सी फाइल? मुझे तो याद नहीं है। बेटा देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये देखो। लेकिन मैंने किस चीज की फाइल मंगाई थी और ये किस चीज की फाइल है? भाई जहीर ने तुम्हें बताया तो था कि कंपनी में नया प्लांट लगाने लगे और उसमें तुम तीनों बहनों के साइन बहुत जरूरी हैं। अब तुम फाइल मत पढ़ो, इस तरह दिमाग पर जोर पड़ेगा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जहीर फिर ले आएगा ना बेटा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कंपनी का नुकसान ही होगा ना, तुम्हारी तबीयत से बढ़कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं लाए, मैं साइन कर देती हूँ। काम का मजदूरों का कोई हर जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आए मैं जीत रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझे जिंदगी दे बेटा। तुम कैसे हो? Always perfect. आओ थोड़ा सा और पी लो ना मेरा बेटा। विजय बिल्कुल भी मूड नहीं है, आप जबरदस्ती जो है ना अच्छी बनाई। क्या रहा है? अबे तू पागल वागल तो नहीं है? तू अंदाजा है तुझे किससे पंगा ले रहा है? तू वो लड़की याद है जिसने तुझे थप्पड़ मारा था? याद है वो थप्पड़ या भूल गया? वेरी गुड, अर्श ने तेरी औकात का सर्टिफिकेट तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के सारी जिंदगी के लिए दर्ज कर दी। कमाल की लड़की है ना? परसों शादी कर रहा हूं, आएगा? हफ्ता जाए पर मुफ्ता ना जाए। अब देख क्या रहा है, जाए यहां से। बात सुन, ये क्या था? अबे जितनी फालतू बात वो तेरे सामने करके गया है ना, मैंने तो उसके नाम के फातिया पढ़ ली थी एडवांस में ही। पर ये क्या, वो तो जिंदा चला गया यार। मरे हुओं को सैदू नहीं मारता। चल
प्यारे फूल। हाँ देखो अच्छा लग रहा है ना। हाँ जब मेरी शादी हो रही थी तब तुमने भी तो ये सब कुछ किया था ना मेरे लिए, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूं। हाँ बस मेरी एक ही दुआ है, मेरी बहन इन फूलों की तरह हमेशा महकती और चमकती रहे। आई लव यू। आई लव यू टू। अब चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम है घर में। मैडम मुस्कान को कहाँ ले गए? मुस्कान भाई सिस्टर के पास है, मैंने सोचा वो यहाँ आएगी तो मैं तंग करेगी। यू नीड सम रेस्ट। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर के लिए मुस्कान मेरे पास रहे? पता नहीं क्यों आज मुस्कान को अपने आप से दूर करने का दिल नहीं कर रहा, अजीब सा दिल बैठा जा रहा है। एन, मैं तो खुद चाहता हूं कि सारी जिंदगी मुस्कान तुम्हारे पास रहे। बस एक दफा शादी निपटा लो फिर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इतने दिनों से हॉस्पिटल में, अगर इंसान इतने दिन अब तक एक ही रूम में रहे तो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। बस मैं ये शादी निपटा लूं फिर तुम्हें 2-3 दिन के लिए घर ले जाऊंगा। जगह बदलेगी तुम्हें सुकून मिलेगा। ठीक है। एंड आई हैव टू गो, बहुत सारे काम करने। थोड़ी सी देर में लेते हैं। मैंने कहा ना शादी निपटा लूं फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर ये शादी नहीं होती तो मैं रुक जाता, तुम्हें ले जाता घर। लेकिन अभी मुझे जाना है, अपना ख्याल रख। ठीक है। आज तो एन मुस्कान को जाने नहीं दे रही थी। जाहिर है एक माँ अपने बच्चे से कितना दूर रहेगी, बहुत तकलीफ दे बात है। हाँ पहले भी मुस्कान से अलग हुई है मगर आज अरमा, आज उसके चेहरे पे एक अजीब सी कैफियत थी। खैर तो मुस्कान को पकड़ो, मैं जरा शादी की तैयारियां देख लूं। क्या मेरा बेबी? ओके ओके। क्या मेरी आंखें ठीक देख रही हैं? अब ये तो उस बात पे मुनहसर करते हैं।
के तुम देख क्या रही हो? अगर तो तुम शादी की तैयारियां देख रही हो तो बिल्कुल ठीक देख रही हो, और अगर तुम कुछ भी नहीं देख रही तो तुम समझ जाओ कि तुम अंधी हो गई हो। और अगर तुम मजदूरों को ताजमहल बनाता हुआ देख रही हो तो तुम ऑब्वियसली समझ जाओ कि पागल हो गई हो। चल दफा हो जा, तू तो जब भी जुबान खोलता है ना तबाही की बांसुरी बजाता है। मैं तो बहुत खुश हूं कि एक मनहूस तो ठिकाने लगी। अब तू देख कि मैं बड़ी को कैसे ठिकाने लगाती हूं। तो जानता है ना सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। फराज अंदर आ जाए ना, मुझे देख के पलट क्यों गए? जिंदगी में इतने मोड़ देखे हैं कि कौन सा मोड़ कहां मुड़ जाए कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा आए ना, यहां बैठे बात तो करें मुझसे। कुछ जरूरी काम निपटा के आता। फराज बेटा तुम कब आए? बस अभी आया था, हॉल की सारी तैयारी करके आया हूं, अभी घर जाऊंगा तो चेंज करके आता हूं। भाई मेरा तो दिल था कि अरमा की शादी भी अर्श के साथ हो जाती, मगर मेरी सुनता कौन है भाई? मैं रही फूफी, फूफियों की आजकल कौन सुनता है? मगर तुम तो उसके मंगेतर थे, तुम ही उसे समझाते। फूफो अगर उसने आपकी नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगी? भाई तुम में और मुझ में ना फर्क है, मैं तो यहाँ चंद दिन की मेहमान हूँ और तुम उसके जीवन साथी बनने वाले हो। देखो बेटा बुरा मत मानना, जो पहाड़ नाकाबले तस्खीर होते हैं उनका वकार बुलंद रहता है, और जो चोटियाँ आसानी से सर हो जाती हैं वो गुजरगा बन जाती हैं। वो अभी से अपनी मनमानी कर रही, शादी के बाद क्या करेगी? मर्द हो मर्द, मर्द बनो और मर्द बनकर दिखाओ, और मेरी बात पर गौर करना, समझ गए ना? मोहब्बत जाने Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बैस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी हाँ, फराज भाई अभी यहीं थे थोड़ी देर पहले और पूरा अरेंजमेंट अपने सामने करवा के गए हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये बताएं कि केटरिंग वाले आ गए? जी हाँ, उनको आए हुए तो एक घंटे से ऊपर हो गया है और किचन की सारी सेटिंग मैंने खुद करवाई है। थैंक यू सर, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो याद कर। सो स्वीट है। थैंक यू, सो स्वीट। लीजिए हर्ष मैडम, आपका दिन भी आई।